तो गुड मॉर्निंग गाइस। और आज और एक और मैंने फ़ोन ऑर्डर किया है, इसका मैं आपको अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाऊंगा। और आप देख सकते हैं, ये अगेन मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर करा है और इसका प्राइस मेरे को 14,000 समथिंग पड़ा है। और ये पोको का सेट है, मैं आपको अभी इसका मॉडल नंबर बताऊंगा जब मैं इसको खोल दूंगा। सो फ़िलहाल ये सेट मैं चारों तरफ से दिखा रहा हूँ, सील्ड पैक्ड है, बिकॉज़ आजकल बहुत प्रिकॉशंस लिया जाता है फ़ोन खोलने से पहले कि कुछ गड़बड़ ना निकले। सो चारों तरफ से सील्ड पैक्ड है। अब मैं इसको करूँगा अनबॉक्सिंग और आपको दिखाऊँगा ये कौन सा सेट है। सो यस, चलो खोलते हैं इसको। सो सबसे पहले हम इसको ओपन से साइड से कट करेंगे। सो नए फ़ोन का मज़ा ही कुछ और होता है अनबॉक्सिंग करने का। सो ये इसका हम अनबॉक्स आपको करके दिखाएंगे और इसका कुछ अलग फन है। सो ये हो चुका है फर्स्ट, आई होप रिकॉर्डेड इनसाइड। और जो मेन सेट है वो ये है, ठीक है, सील्ड पैक्ड है। बाकी इसके ऊपर कुछ प्लास्टिक का मतलब कवर नहीं आया है, सो एनवायरमेंटल फ्री। सो आजकल कई फ़ोनों के साथ नहीं आ रहा है, लेकिन इससे पहले जो मैंने फ़ोन करा था उसके साथ आया था, तो लेट्स सी। और सील्ड है ये चारों तरफ से, देख सकते हैं। और मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बता दूँ, ये 5G फ़ोन है, ठीक है, स्मार्ट डिस्प्ले है, 5000 mAh बैटरी है इसकी, 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग होगा इसके अंदर, प्लस इसमें जो कैमरा है 48 MP मेगापिक्सल और ट्रिपल कैमरा है इसमें। बाकी डिटेल कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी जो इसमें 6 GB रैम मिलती है और 128 GB इसका स्पेस है। सो मेड इन इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ, ब्रांडिंग पे आप देख सकते हैं मेड इन इंडिया। सो या काफ़ी प्रीमियम सा लग रहा है लुक तो, लेकिन 5G फ़ोन है इसलिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था इसको। सो मैं इसकी सील एक करके खोलता हूँ और देखते हैं अंदर क्या निकलता है। सो लेट्स ओपन, मैं इसकी सील काट रहा हूँ और ये लास्ट वन। सो इसकी सारी सील कट चुकी है और इसको आप ओपन करेंगे। सो वाओ, इसका फर्स्ट लुक, ओ माय गॉड। जब फ़ोन मतलब बॉक्स खुला है तो आप देख सकते हैं ऊपर पोको, और ये मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या इस बॉक्स के अंदर निकलेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मेरे साथ इसमें सिम इजेक्टर टूल है एक, तो प्लस इसमें मिलता है आपको कुछ पेपर वर्कस, ठीक है। और पेपर वर्कस आजकल सभी फ़ोनों में काफ़ी कम कर दिया है, ये अच्छा है, पेपर भी बचता है और इससे और लोग ज़्यादा पढ़ते भी नहीं इसको, तो ये यूज़लेस है। सो बहुत कम लोग होंगे, मेरे को लगता ही नहीं कोई पढ़ता होगा इसको। सो इसको रखते हैं साइड में। और कवर की क्वालिटी दिखा देता हूँ, ये है इसका कवर। सो कवर इज़ ओके, नो प्रॉब्लम। कवर में थोड़ा सा मे बी थोड़ा सा हल्का सा लाइट है, लेकिन ठीक है, चल जाएगा काम। सो इसको अभी रखते हैं साइड में। और इसके साथ जो चीज़ें अब मैं ये है फ़ोन। सो मैं फ़ोन को अभी साइड में रखते हैं, इसको बाद में देखेंगे क्या है। और इसमें बॉक्स में जो कंटेंट में आया है साथ में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें बॉक्स के और अंदर आता है। सो इसमें आया है ये चार्जर, जो कि 18 वॉट फास्ट चार्जर है, फास्ट चार्जिंग का इसमें है। सो 18 वॉट फास्ट चार्जर का ये सॉकेट वो है। और इसमें ये केबल है, केबल की क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो केबल्स सी टाइप केबल है इसमें, और थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि ये इसकी तार थोड़ी छोटी है, चार्जिंग की जो तार है वो थोड़ी सी छोटी है, आप देख सकते हैं। अगर मैं डबल करता हूँ तो ये इस टाइप से मतलब आती है। सो पता नहीं, इससे पहले भी जो मैंने फ़ोन खरीदा था उसका भी तार, या तो मे बी आजकल किसी किसी में मतलब एक दो फ़ोन में मेरे को लंबी मिली थी, तो मेरे को शायद लगा कि छोटी, मे बी क्या ठीक हो क्या पता। सो आप इसको देख के जज कीजिए कि छोटी है या ठीक है, नॉर्मल है। सो ये इस टाइप से लग जाएगा। सो इसकी चार्जर भी अच्छा है। सो बॉक्स में साथ में और कुछ नहीं है, खाली बॉक्स है। और अब बारी है जो मेन कंटेंट है आपका, जो फ़ोन है वो मैं दिखाऊंगा आपको। इसको भी साइड में रख देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। सो ये है वो मेन चीज़ जिसके लिए हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। सो मैं इसको ओपन करता हूँ और लेट्स सी कैसा है फर्स्ट लुक। पहले फ्रंट से देखते हैं,
वाओ, सो काफ़ी अच्छा स्लिम फ़ोन है, हाथ में पकड़ने से काफ़ी हैंडी लग रहा है, और मतलब और पीछे से इसका लुक कुछ खतरनाक है। आप देख सकते कलर भी काफ़ी अच्छा है और शाइनी इसका वो है लुक। कैमरा इसमें 3 दे रखे हैं, ठीक है। सो इसको करेंगे फिर चार्ज, चार्ज मींस चार्ज तो आता ही है, और साथ में ये फिंगर टच इसमें दे रखा है, सेटिंग करेंगे साथ में, और मैं इसको बताऊंगा कि कैसा है। मैं आपको इसका पावर ऑन करके देख लेते हैं इसके एक बार कि कैसा लग रहा है ये। सो अगर हम इसकी पावर ऑन करें तो साथ में ब्रांडिंग आती है पोको एंड्रॉयड लिखा हुआ। सो काफ़ी अच्छा लुक है वैसे फ़ोन का, नॉट बैड। जो स्पीकर इसमें दे रखा है वो सेम आजकल सेम ही आजकल फ़ोनों में डला है। कैमरा काफ़ी अच्छा है इसका, फ्रंट कैमरा, और ये है इसका कुछ लुक। मे बी लाइट की वजह से आपको ये मतलब इतना क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि काफ़ी अच्छा है ये फ़ोन। सो 12.1 12.5 इसका वो है, और इसको कुछ सेटअप डाल देते हैं। सो इसका मैं डिटेलिंग आपको रिव्यू दूंगा बाद में। सो अभी तो मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने डाला है, अभी इसको डिटेल वीडियो बाद में डालेंगे। अब मैं आपको इसका लुक दिखाई दिया, लुक काफ़ी अच्छा और प्रीमियम है। सो या गुड फॉर मी, अच्छा था फ़ोन। अभी इसको चलाने के बाद बाद में पता चलेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या क्वालिटीज़ है और कहाँ कहाँ ये लैग करता है, वो सब आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए दिस फ़ोन इज़ थम्स अप फोन।